ഓഗസ്റ്റ് 15 മാമരീംദ സ്വർഗ സിദാരൻ അജ കലീസിയ മാമരീംദ സ്വർഗ വെച്ച ഉടായി ജാണ്ട ഈദ് മനാവുന്ദേഹ മൗത്ത് പാവുദ സജാദഹെ സന്ത് അൽഫോൻസ് ലിഗോറി സനസിക്കാവുന്നതാഹെ മാമരിയം ഇസർഗെ മൗത്തോം മുക്ത രഗണാസി പർ കുദാബാബ് ചാവുന്നതായേക്കി ധനുകുമാരി മരിയം പ്രിയേശുമസി ഇതേ അനുരൂപ ബെണ്ണ ഇസർഗെ കുദാബാബ് തി മർജി സീക്കി ഓബി മൗത്തിനു അപ്രാവണ ചൈതാഹെ ധനുകുമാരി മരിയം ഇസ് ദുനിയാ വിച്ച് സപ്തോം വധ കുദാനു പ്യാര് കർത്തെ ഹോയി അപ്ന ജിന്ദഗി ബിതാവുന്നതി സി ഉനാനു കിസി ദുനിയാ വിച്ച് ജാന്ദേനാൽ മോഹ ഹേ നഹീ സി असीम सिखते हम कि जो इंसान दुनिया भी छिजान दे नाल मोह रखता गे उन्हानु मौत दर्द जरूर महसूस होवेगा। पगमा गलीसिया सानु सिखाऊंदा है कि माँ मरियम कुदादी माँ या कुदा दूसरा शख्स प्रभु येशु मसीह दी असली माँ है। धनुवारी मरियम हर वक्त कुदादी मर्जी पूरा करने ले तैयार सी। जो जबराइल फरिश्ता उन्होंने बोला आया सी उन्होंने बोला वेक में खुदादी दासी का माँ मरियम खुदादी मुक्ति योजना विके एक बहुत बड़ा रोल लिया है। संत युवनादि अंजील उन्होंने 12:26 विच असीं पढ़तेगा जेकर कोई मेरी सेवा करता गए वो मेरी पैरवी करे अरे जिते मैं हाँ उते मेरा सेवक भी होवेगा। जेकर कोई मेरी सेवा करता गए थाम बाप उसका सम्मान करेगा। कलीसिया दा परंपरा सन सिखाऊंदा है कि धनुवारी मरियम दा स्वर्ग विच उड़ाए जाण दा एक घटना प्रभु येशु मसीह दा स्वर्ग विच जाण दे 15 साल दे बाद होया सी। उदों मां मरियम संत युहन्ना दे नाल एफेसुस विखे रहिंदा सी। इन्हां गल्लां सानु सिगड़न दे संत एलिजाबेथ ने लिखा गए क्योंकि जदों उन्हां नू मां मरियम दर्शन दित्ता सी उन्हां नू इन्हां गल्लां दस्सिया सी। खुदा ने हरेक संत संतनिया नू बहुत रूहानी फजलां बरकतां दित्ता सी पर मां मरियम हर तरह की खुदा दी बरकतां फजलां दी फंडार सी। 5वीं सदवी तो लेके कलीसिया ये ईद मनाउंदे रेंदे सन। खास करके पूर्व ते पश्चिम दे कलीसिया विके धनुकुमारी मरियम दा स्वर्ग उड़ाए जान दा ईद 5वीं सदवी तो मनाना शुरू किया सी। संत अल्फोंस लिगोरी सन दस्ता है कि मां मरियम दे नाल मिलके असी खुशी मनाइए क्योंकि खुदा ने उनू ऊंजा किता है। अरे उन्होंने स्वर्ग विके फरिश्तियां दे नाल मिलके खुदा बाप बेटे दे रूपाक्ति वड़ियाई करन दा फजल बख्शिया गए। इस दे नाल नाल सब मन जादी ले सिफारिश करने ले एक आस काम दिता गया है। मां मरियम नू फरिश्तियां तो भी ऊंजा जगह दिता गया है क्योंकि वो प्रभु येशु मसीह दी माँ खुदा दी दूसरा शख्स खुद खुदा दी माँ है। आवोसीम अपनी रोजाना जिंदगी विच मां मरियम दी सिफारिश मंगते हुए रोजाना रोसरी माला पढ़िया करो क्योंकि मां मरियम ने संत ब्रिजित नू यह वचन दिता है कि जो कोई आदमी होवे अवरत होवे भक्ति भावने दे नाल रोजाना रोसरी माला पढ़ेगा उनानू हर तरह दियाम रूहानी बरकतां आयुष्याम दिता जावेगा। अवसीम खुदा दीना बजरानू चेते करिए संत युहन्नादि अंजील 12:3 लेके 32 तक प्रभु येशु ने उत्तर दिता ये आवाज मेरे लिए नहीं सी सगो तुहाड़े लिए सी हुण इस युग दे नियां दा समा आ गया है। इस जग दा सरदार खटिया जा रहा है। जेकर मैं जमीन तो ऊंचा किया जावांगा ताम
सारिया अपने वल खींच लवांगा। असी प्रार्थना करिए। जे सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे महान प्यार दे मिहर दे कारण मां मरियम दे सुरग सिदारण दे दिन साड़ा देश आजाद हो गया सी। पाप रहित कुआरी मरियम नू तू उसके शरीर थे आत्मा नाल सुरग दी शान विच भागीदार बनाया। साड़ी जिंदगी दा भी सब तो बड़ा मंदव सुरग पाउना है। इस महान उद्देश दे लई तू सानू जीवन दे मामरीम दी सगाईदा नाल तू साड़े देश नू हमेशा हर बुराई तो आजाद रख। अदे सारिया नू आपसी प्यार दे शांति दी राग उते अगुवाई कर। असी बेनती करते गा अपने प्रभु यीशु मसीह तेरे बेड़े रागी जड़ा तेरे नाल रूपाक स्नेह कुदा जीवन दा राज करता आगे स्था तो स्थाती कर। आमीन। धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वह हमसे जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की संग भागीदा, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।